अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक खैर ऑफिस होंगे। तो आप पीछे देख रहे हैं, हम इस वक्त मौजूद है चित्राल गोल में। तो अभी इस वक्त रास्ते में, अभी इस वक्त आप गेट की एंट्री आप देख सकते हैं यहाँ पर, वेलकम टू चित्राल गोल नेशनल पार्क। तो आए चलते हैं, बाकी ऊपर के मनाजिर आप देखेंगे, रास्ते पर बहुत खतरनाक है। हम मोटरसाइकिल में आए हुए हैं तो मेरा कैमरामैन आपको रास्ता दिखाएगा। तो इस रास्ते से हम आकर यहाँ तक पहुँचे, खाली शांति घाट की एंट्री हमने की है, अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो बाकी रास्ते का मनाजर आप देखें। तो अभी इस वक्त आप एंट्री में मोटरसाइकिल, यहाँ पर हमारी शांति घाट द्वारा वो एंट्री कंप्लीट होगा। तो अभी इस वक्त हम आपको एयरपोर्ट दिखाते हैं। तो अभी वो आप देख सकते हैं, वो एयरपोर्ट है चित्राल एयरपोर्ट। बाकी नीचे आप देख सकते हैं वो जमीन है और वो बलच है, और बाकी वो मेन चित्राल है, मेन चित्राल सिटी, और वहाँ पर पहला बात है वो आपको दिख रहा होगा। और अभी हमने उस टॉप पे जाना है। तो बाकी हमारे साथ आज तंजीम मिकी मौजूद हैं, बाकी मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं। रास्ते अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर रास्ते से वहाँ पहुँचे। अभी इस वक्त हम इतने हाइट पे मौजूद हैं, हमने कहा कि चलो मोटरसाइकिल थोड़ा सा, वो बहुत ज़ोर मांग रहा था, मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, मोटरसाइकिल को भी थोड़ा सा रेस्ट होगा हमारे भी। और अभी भी बहुत रास्ता है, और नीचे का रास्ता आपको मैं दिखा नहीं सकता। आप देखें तो सामने एयरपोर्ट कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, और बाकी इसके नीचे बल है चाहिए। तो साइनेमेटिक शूट्स की इंजॉयमेंट आप ले लें। फाइनली हम इस वक्त बिरमोला चित्राल गोल नेशनल पार्क पहुंच गए। आप यहाँ पे, यहाँ की खूबसूरती आप देखें तो इस वक्त हम शुजा के किले जा रहे हैं। तो अभी ये रास्ता आप चेक कर लें, यहाँ से हम घूमेंगे। जो कि 1910 में बनाया गया था, तामीर अभी भी पाकिस्तान जब आज़ाद होने से पहले ये बना हुआ था। अभी अभी आप देख सकते हैं और अंग्रेज़ों का बना हुआ है। आए चलते हैं ऊपर की तरफ। आप देखें यहाँ पर सीढ़ियाँ भी देख सकते हैं, लकड़ी और पत्थर से ईंट से बनाए, उस टाइम भी ईंट होते थे 1910 में। ये मैं, ये आप देखें, अभी ये मैंने निकाल दिया, लोग अभी कमेंट करेंगे किले को बर्बाद कर रहे हैं। आ जाए। तो अभी इस वक्त इस किले में कोई भी नहीं है, बहुत सुनसान है और बंद है अभी सीन, वरना मैं अंदर जाकर आपको दिखाता। ये आप देखिए, तो कैमरा में मेरा कैमरा मुझे इतना, ये आप देख सकते हैं वो चित्राल है। हम इतने हाइट पे हैं, इससे भी ऊपर हाइट है। मौसम यहाँ पे बहुत ठंडा है, धूप भी है और ठंड भी लग रही है। और किला आप देख सकते हैं, अंदर से आपको मैं दिखाता हूँ, ये पूरा बंद है लकड़ियों की मदद से। Oh,
तो अभी सर यहाँ पे मौसम बहुत ज़बरदस्त मौसम है। हमने शुजाउल मुल्क के किले को छोड़कर ऊपर आए हैं और यहाँ पर पानी का झरना है थोड़ा सा छोटा सा, और यहाँ कहते हैं कि ज़मीन से पानी निकलता है जिसे हम चतराली ज़ुबान में उछो कहते हैं, और पानी भी बहुत ठंडा है। यहाँ पर हमने मैंगो वगैरह हमने साथ लाया था, पानी भी बहुत ठंडा है और चाकू वगैरह पड़े हैं। तो बाकी सीन कुछ इस तरह है कि हमने ये मैंगो खाने के बाद डायरी की, हमने मगरबाद की तरफ जाना है, घर की तरफ जाना है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये जगह बहुत पसंद आया होगा। बाकी वो आपको पहाड़ दिख रहा होगा, इस पहाड़ के बैक साइड पे कोई हिंदू कुश है, कोई हिंदू कुश जो कि तहरीर कहते हैं, और सेवन क्लास के मुताले पाकिस्तान के बुक में इसके बारे में लिखा हुआ है। बाकी आप वो पढ़ लें, आपको अंदाज़ा होगा। यहाँ पे मौसम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम है। तो यहाँ तक पहुँचने में मेरी हेल्प करने वाला फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अंकल तहसील में की, और सेकंड मेरे साथ हेल्प करने वाला शाहिद का मोटरसाइकिल शाहिद में की। सॉरी आपको बताया नहीं, हम लोग डायरी की यहाँ पर आए, हमें पता था आप मोटरसाइकिल नहीं देंगे तो इसलिए हम लोग चुप चुप के इस जगह पहुँच गए। तो बाकी आप नीचे छत आप देख सकते हैं, और रास्ते भी बस अल्लाह ने हमें यहाँ पहुँचाया, बस ये आप समझ लें। रास्ते इतने ख़तरनाक थे, मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि इतने ख़तरनाक रास्ते हो गए। अब 3-4 दफ़ा मैं एक्सीडेंट से बच गया और टायर भी स्लिप हो रहे थे। फाइनली ज़्यादातर लोग गाड़ियों में आते हैं तो गाड़ियों में इतना मसला नहीं होता जितना कि मोटरसाइकिल में, और मोटरसाइकिल भी आपके पास 300 cc हो या 250 cc हो तो यहाँ पर आराम इजीली आप आ सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा व्लॉग, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर मोलस्ट तो आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, और आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ इस जगह पे आए। तो ये रहा आज का हमारा व्लॉग, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर मोलस्ट और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इससे भी डिफरेंट अच्छी अच्छी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। जब तक कि तंजील में की मेरे साथ है, इंशाल्लाह भुमबरद वैली हो गया और बहुत से डिफरेंट जगह हैं जहाँ पर हम नहीं गए, वहाँ तक आपको इंशाल्लाह हम अपने ब्लॉग के जरिए आपको दिखाएंगे। बाकी हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।